तुला राशि वालों, 7 मई मंगलवार का दिन अश्वनी नक्षत्र में दिन की शुरुआत केतु के प्रभाव के साथ होगा। केतु आपकी कुंडली के द्वादश भाव में इस समय गोचर कर रहा है। केतु की स्थिति बहुत ही मजबूत है क्योंकि केतु की दृष्टि बुध के ऊपर है, जिसके कारण बुध केतु को प्रभावित कर रहा है। केतु इस समय रेप्ति नक्षत्र में बुध से प्रभावित हो गया है। वहीं आपकी कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और सूर्य की युक्ति है। बृहस्पति का प्रभाव भी शुभ है और आपकी कुंडली में राहु, मंगल और बुध इस समय बहुत मजबूती से एक साथ गोचर कर रहा है, जिससे कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ा शुभ समाचार, कोई बड़ी तरक्की का अवसर आपको मिलने वाला है। मेहनत का फल भी मिलेगा। जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि का गोचर हो रहा है और सप्तम भाव में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा की युक्ति है। लग्न के ऊपर शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि है। वहीं बृहस्पति का धन भाव को प्रभावित करना आपके जीवन में खुशी और सुख दोनों एक साथ प्राप्त होगा। आज का दिन बेहद ही लाभकारी दिन है क्योंकि आज 3:32 के बाद भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, जिसमें आपके लग्न का स्वामी शुक्र भरणी नक्षत्र का स्वामी बनकर आपके जीवन में ढेर सारी खुशी और सुख लेकर आएगा। नई संभावना, नया संबंध, सुख की कामना, तरक्की का रास्ता खोलेगा और ये समय आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। उम्मीद से ज़्यादा लाभ, कर्म से धन, भाग्य से सुख की आप प्राप्ति करेंगे। स्थिति बेहद ही आकर्षण भरा होगा, जो आपके स्वाभिमान को भी जगाएगा, जो आपके जीवन में लाभ और धन लेकर आएगा। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 7 मई मंगलवार का दिन आज अश्वनी नक्षत्र है, केतु के प्रभाव से आप प्रभावित रहेंगे। अश्वनी नक्षत्र का केतु 3:32 तक अपने प्रभाव से आपको प्रभावित करेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र आरंभ होगा, जिसमें शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। आज वैशाख माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11:40 तक, उसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगा। दिन की शुरुआत आयुष्मान योग अश्वनी नक्षत्र में आरंभ होगा, केतु के प्रभाव के साथ। अश्वनी नक्षत्र 3 तारों का नक्षत्र है। सौभाग्य, सुख और धन केतु के प्रभाव से महत्वाकांक्षा का जागना, जीवन की स्थिति का अनुकूल होना, समस्या का समाधान भी मिलेगा और शक्ति समृद्धि भी आपकी बढ़ेगी। अश्वनी नक्षत्र में केतु के प्रभाव से जीवन काफ़ी सुखी रहता है। जीवन में नई उमंग का संचार होता है। घर परिवार में खुशियां बढ़ती है। मान सम्मान और भाग्य का साथ प्राप्त होता है। अश्वनी नक्षत्र में केतु के प्रभाव से ही आपकी इच्छा, आकांक्षा, मन की इच्छा पूरी होती है। ये जो समय है सुख बढ़ाने वाला, धन का आगमन और घर में खुशियां लेकर आता है। 3:32 के बाद भरणी नक्षत्र बड़ा ही प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसमें शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता है। भरणी नक्षत्र नए जीवन चक्र की शुरुआत करता है। आपकी जीवन की इच्छा, आपके जीवन में तरक्की का रास्ता यहीं से खुलता है। शुक्र के प्रभाव से भरणी नक्षत्र जीवन में उत्साह को बढ़ाता है। भरणी नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव से ही सुख बढ़ता है। आपकी जीवन की स्थिति बदलती है,
काफी ऊर्जावान आप होते हैं, साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, अपनी आकांक्षा की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, कला के प्रेमी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी बनते हैं, सुख सौभाग्य आपके जीवन में बढ़ता है। शुक्र का प्रभाव आपके लिए बड़ा ही शुभ साबित होने वाला है। आज अश्वनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र का प्रभाव देखने को मिल रहा है, यानी आज केतु और शुक्र के प्रभाव से आप प्रभावित हैं। 11:40 के बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगा, यानी दिन आपके लिए बदलाव लेकर आएगा, दिन आपके जीवन में खुश मिजाज आपको बनाएगा। ये जो समय है विशेष तौर पर आपके भाग्य के लिए बड़ा ही शुभ समय है, अच्छे काम का अवसर प्राप्त होगा, थोड़ा मेहनत करके ज़्यादा लाभ की स्थिति आपकी बनेगी, स्थिति आपके अनुकूल होगी, धैर्य रखें, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा ही होगा। ऐसा योग इस समय आपकी कुंडली में बन रहा है, जिसके प्रभाव से पद प्रतिष्ठा लोकप्रियता आपकी बने रहेगी, बड़े बड़े उपलब्धि तरक्की आप कर पाएंगे, सफलता चारों दिशाओं से मिलेगा। अपने मन के भटकाव को रोकें, किसी के बहकावे में आने से बचें, जीवन में आने वाली अड़चने भी दूर होगी और जीवन आपका प्रभावशाली होगा, क्योंकि चंद्रमा आज सूर्य के साथ युक्ति बना रहा है। वहीं आपकी कुंडली में केतु की स्थिति बेहद ही लाभकारी है, क्योंकि केतु इस समय हस्त नक्षत्र में चंद्रमा से प्रभावित होकर आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है। चंद्रमा का सूर्य के साथ गोचर करना आपके लिए कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की के रास्तों को खोलेगा। आज बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव से प्रभावित है, वहीं आपकी कुंडली में राहु रेति नक्षत्र में बुध से प्रभावित है। इस समय केतु की स्थिति बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली में है और शुक्र भरणी नक्षत्र में जीवन में खुशियों की शुरुआत करता है, तो स्थिति आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। जीवन का सुख है, जीवन में धन बल से आप युक्त होंगे। शनि इस समय आपकी कुंडली में आपके कर्म को प्रभावित कर रहा है, नई नई खुशियां मिलेगी। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप अपने भाग्य को आजमा कर देख सकते हैं, निराशा आपके हाथ नहीं लगेगी। कुंडली की स्थिति बहुत मजबूत है, शनि आपके कर्म को प्रभावित कर रहा है, वहीं केतु और शुक्र आपके प्रयास में बड़ी सफलता लेकर आया है। दुर्भाग्य आपके जीवन से नष्ट होने वाला है और इस समय आपके लिए दिन बड़ा तरक्कीदायक होगा, किस्मत का साथ मिलेगा, सफल समय की शुरुआत होगी। ये समय आपके आत्मविश्वास को जागृत करेगा, जीवन में बड़ी सफलता का रास्ता दिखाएगा, सुख धन से आपको परिपूर्ण बनाएगा, परेशानी आपकी दूर होगी, नौकरी व्यापार की स्थिति बेहतर बनता जाएगा और जीवन में ढेर सारे लाभ के अवसर आप प्राप्त करेंगे। सर्वाद सिद्धि अमृत सिद्धि योग सुबह 5:35 से 3:22 तक आपके लिए समय काफ़ी लाभकारी होगा। वहीं अमृतकाल 8:59 से 10:27 तक है। इस दौरान उमंग उत्साह भी बढ़ेगा, कामयाबी सफलता का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। आज दो बातों का ध्यान रखें, उत्तर दिशा की तरफ से दिन आरंभ ना करें और राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। राहु काल 3:39 से 5:20 आज आपकी कुंडली में मंगल बुध राहु की युक्ति है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा सूर्य और सूर्य एक साथ गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति शनि और केतु की स्थिति भी बेहतर होने के कारण दिन आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा, तो ये समय आपके लिए बड़ा ही शुभ है, जो आपको भाग्यशाली बना रहा है। ये समय आपके सोए हुए नसीब को जगाएगा, तकदीर को बदलेगा, जीवन में मेहनत का फल मिलेगा,
सुखद अनुभूति होगी, कोई बड़ी खुशखबरी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, सुख की कामना आपकी पूरी होगी, नई संभावना, नया संबंध और जीवन में इच्छा शक्ति महत्वाकांक्षा आपके इरादों को मजबूती देगा। बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली आप बनेंगे, सपनों को साकार करेंगे और जीवन में बेहतर परिणाम की प्राप्ति करेंगे। अभिजीत मुहूर्त 11:51 से 12:45 आपके लिए शुभ रहने वाला है, जबकि विजय मुहूर्त उमंग उत्साह के साथ आपके जीवन में तरक्की उन्नति लेकर आएगा। तो दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ है, बड़ा ही सौभाग्यशाली है। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।